मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम तब याद तुम्हारी आती है कविता का अर्थ समझेंगे। इस कविता के कवि कौन है? इस कविता के कवि राम नरेश त्रिपाठी हैं। कविता के पाठ है तब याद तुम्हारी आती है, जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलिया दरवाजे खोल खोल कर जब दुनिया पर मुस्कुराती है। यहाँ सुबह के समय के बारे में बताया है। सुबह चिड़िया उठकर खुशी के गीत गाती है, कलिया खिल जाती है, यानी जो फूल रहते हैं ना वो खिल जाते हैं। चिड़िया खुशी के गीत गाती है मतलब चहकने लगती है, और ये सब देख के दुनिया मुस्कुराती है, खुश हो जाती है। आगे की पंक्ति में हम देखें, आगे की पंक्तियां पढ़ेंगे। खुशी की लहरें जब घर से बाहर आ डोल लगाती हैं, हे जगत के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। जब सुबह फूल खिल जाते हैं तो उनकी सुगंध हमारे घर के बाहर आती है, तब हे प्रभु ईश्वर तुम्हारी याद आती है। सृजनहार कौन हुए? हमारे ईश्वर प्रभु भगवान जी। आगे की पंक्ति में हम देखेंगे, जब छम छम बूंदे गिरती हैं, बिजली चम चम कर जाती है, मैदानों में बाग बगानों में जब हरियाली लहराती है, जब बारिश होती है तो पानी की छोटी छोटी बूंदे छम छम करके गिरती है, बिजली की चमक चम चम करती है, बारिश के मौसम में चारों ओर हरियाली फैल जाती है, जिससे क्या होता है मैदान और बगीचों में छोटे छोटे पौधे उगने लगते हैं और हर जगह हरियाली दिखाई देती है। आगे की पंक्तियां देखेंगे हम, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ओढ़ कर लाती है, हे जगत के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। जब ठंडी ठंडी हवाएं चलती है तब हमें अच्छा लगता है और मस्ती करने को मन करता है, हे ईश्वर प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। इस कविता के लेखक कौन है? राम नरेश त्रिपाठी।